आंदोलनरत शासकीय लिपिक संघ के प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शासकीय लिपिक वर्गीय संघ द्वारा लगातार 8 दिन से चलते आ रहे धरना प्रदर्शन में आज मुंगेली जिले के प्रदर्शनरत लिपिकों ने कलेक्ट्रेट घेराव व जेल भरो आंदोलन, जिसका ज्ञापन पूर्व में दिया गया था, के तहत सड़क पर प्रदर्शन नारेबाजी के साथ निकले। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। उस अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत आज हमारा 8वां दिन है, जिसमें मुंगेली जिला द्वारा जेल भरो आंदोलन रखा गया है और छत्तीसगढ़ शासन के लिपिक, जो कि शासन की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, ये समस्त कर्मचारी आज शासन द्वारा हताश होकर जेल भर रहे हैं, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी शासन हमारी मांगें पूरी करेंगे। जिस पर आंदोलनरत लिपिकों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से पूर्व ही पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर मुंगेली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया। लिपिक कर्मचारियों का आज कलेक्टर घेराव और जेल भरो आंदोलन के लिए ज्ञापन दिए थे। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास जैसे ही कलेक्टर घेराव करने के लिए आगे बढ़े, हम लोगों ने गिरफ्तार करके बस में भेज के अस्थायी जेल जो स्टेडियम है वहाँ पर। प्रदेश व्यापी शासकीय लिपिक संघ मुख्य रूप से अपनी वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग पर अड़ा हुआ है। मुंगेली से निखिलेश लाल की रिपोर्ट।